अरे मामा, पूरी दुनिया में खलीबली मची हुई है। हर वो शख्स जानना चाहता है कि क्या दाऊद इब्राहिम को ठोक दिया गया है, क्योंकि इस वक्त दुनिया भर के सारे न्यूज़ चैनलों पर एक ही खबर चल रही है कि दाऊद इब्राहिम मारा जा चुका है। बताया जा रहा है दाऊद कराची के अस्पताल में दम तोड़ चुका है, क्योंकि सोशल मीडिया पर जब से ये खबर आई कि दाऊद को किसी ने जहर दे दिया है, तब से पूरी दुनिया की नज़र कराची पर टिकी हुई है। उधर अब तक पाकिस्तानी सरकार ये छुपा दिया ही कि दाऊद यहाँ पर है। अब वो ये छुपा रही है कि दाऊद मर गया है। यहाँ आप कंफ्यूज होंगे कि मीडिया से लेकर न्यूज़ चैनल अपने व्यू और टीआरपी के लिए कुछ भी छापते रहते हैं। ऐसे में दाऊद की मौत की खबर पर विश्वास करना इतना आसान भी नहीं होगा आपके लिए। आप सभी ये जानना चाहते होंगे कि क्या वाकई में दाऊद इब्राहिम मर गया है, उसे किसने जहर दे दिया है, ये पूरा मांजरा क्या है। आइए इस वीडियो में प्रूफ के साथ आपको बताते हैं कि क्या वाकई में दाऊद मर गया है। अगर दाऊद मर गया है फिर उसे मारा किसने, सारे सवाल एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। फिर किसी और न्यूज़ चैनल को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कम छो मजामा, अरे मामा, पहले हम बात करेंगे कि दाऊद के मरने की खबर कहां से आई और कब आई। देखो, कुछ पाकिस्तानी मीडिया में पहले यह खबर छपी थी कि दाऊद को किसी ने जहर दे दिया है, ऐसी आशंका जताई गई। और खबरों में ये भी छपा कि मुंबई पुलिस भी इसकी जानकारी लेने का प्रयास कर रही है। अब यहां मुंबई पुलिस का जिक्र हुआ कि अगर खुद मुंबई पुलिस इस खबर में इंटरेस्ट ले रही है तो लोगों को शक हुआ कि क्या है ये बात सच तो नहीं। फिर कल और एक बड़ी खबर छपी कि दाऊद इब्राहिम के समधी जावेद मियादाद को अरेस्ट किया गया है, साथ साथ उसके पूरे परिवार को भी। अपने ही घर में पाकिस्तान आर्मी और ISI ने नज़र कैद में रखा है। अब जावेद मियादाद कौन है सभी जानते हैं, पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर। जावेद मियादाद के बेटे की शादी दाऊद की बेटी से की गई थी। अब दाऊद को जहर देने की खबर आने के बाद जावेद मियादाद और उसके परिवार को नज़र कैद कर ISI और पाकिस्तान आर्मी के पूछताछ करने की खबर से संदेह और भी बढ़ जाता है कि क्या वाकई में दाऊद की मौत हो गई है, दाऊद अस्पताल में है, उसे जहर दे दिया गया है। अरे मामा, अब दाऊद के मरने की खबर में कितनी सच्चाई है ये समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि ये आदमी है क्या, क्योंकि यहाँ दाऊद की हत्या करने की बात है। अगर नेचुरल डेथ की बात होती तो कोई संदेह नहीं था, पर दाऊद को किसी ने जहर देखकर मारा है, तब तो हमें पहले दाऊद को समझना होगा। और आप इस पूरे वीडियो को देखकर आप खुद कमेंट कर कहोगे कि दाऊद मरा है या जिंदा है। ठीक है, तो पूरा वीडियो देख लो वरना कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। और फिर आप कहोगे कि आ गुज्जू भाई फेंक रहे हो। खैर, पहले आप दाऊद के ये 6 तस्वीर देखिए। इनमें जो पहली तस्वीर है ये एक इंटरव्यू के दौरान खींची गई है, इसके बाद ये तस्वीर एक पार्टी के दौरान खींची गई थी, और बाकी की सारी तस्वीरें जब दाऊद क्रिकेट मैच देखने जाया करता था तब की है। यहाँ बता दूँ कि ये सारी तस्वीरें दाऊद की लास्ट तस्वीर है, इसके बाद दाऊद की कोई तस्वीर खींची नहीं गई। कहने का मतलब ये है कि इन तस्वीरों के अलावा इस शख्स को लेकर दूसरी कोई तस्वीर ना हमारे पास है, ना पुलिस के पास, ना खुफिया एजेंसी के पास। यानी इस शख्स को लेकर इतना रहस्य है कि बात ही ना पूछो। इस आदमी ने खुद को बचाने इतना बड़ा जाल बिछा रखा है कि पाकिस्तान जाने के बाद उसने अपनी एक भी तस्वीर बाहर नहीं आने दी। सोचो कितना बड़ा खिलाड़ी होगा ये आदमी। अब आप ही सोचो इस आदमी को मारने के लिए उस तक पहुंचना कितना मुश्किल होगा, क्योंकि ना गोली की बात है ना चाकू छुरी की, जहर देखकर मारने की बात है। यानी उसके करीब पहुंचकर उसे मौत के घाट उतारा गया है। और इतना मुश्किल काम आखिर किसने अंजाम तक पहुँचाया होगा, बने रहे हमारे साथ। सारा कच्चा चिट्ठा आज आपको दिखा देंगे। अब सुनो, यहाँ कुछ मीडिया रिपोर्ट का ये दावा है कि दाऊद को जहर दे दिया गया है और उसे कराची के एक अस्पताल में 2 दिन से भर्ती किया गया है। और दाऊद जिस अस्पताल में है वहाँ दाऊद के अलावा एक भी दूसरा मरीज नहीं है, और पूरे अस्पताल को किले में तब्दील कर दिया गया है, जहाँ दाऊद के परिवार के लोग ही जा सकते हैं। वहीं भास्कर न्यूज ने छापा है कि हमें एक सेंट्रल जाँच अधिकारी ने बताया है कि दाऊद को जहर देने की बात एक अफवाह है, क्योंकि दाऊद की सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि किसी भी शख्स को दाऊद तक पहुंचना है तो पहले दाऊद के 150 गुर्गों से गुजरना पड़ता है, तब दाऊद मिलता है। यानी मीडिया में भी 2 तरह की खबरें चलाई जा रही है। अब आम जनता किस पर भरोसा करे।
ये तस्वीर आप देख रहे हो, इस तस्वीर में जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं ये सारे लोग 1993 के बम ब्लास्ट के आरोपी हैं और आज तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े। ये सारे लोग इंडिया के लिए मोस्ट वांटेड है और ये तस्वीर हाल ही में भारतीय जांच एजेंसी ने जारी की थी। इसमें दाऊद से लेकर छोटा सकेल टाइगर मेमन तक की तस्वीर है। इसमें दाऊद पर 25 लाख का इनाम रखा गया है, वहीं छोटा सकेल पर 20 लाख का। पर यहाँ एक बात गौर करने लायक है कि इस लिस्ट में शामिल सभी लोगों की दो दो तस्वीर है, एक पुरानी तस्वीर और एक ताज़ा तस्वीर। लेकिन क्या आपने गौर किया कि लिस्ट में सभी की ताज़ा तस्वीर है पर दाऊद की दोनों तस्वीरें पुरानी है। यानी हमारी खुफिया एजेंसी के पास भी दाऊद की कोई ताज़ा तस्वीर नहीं है। तो इस बात से समझा जा सकता है कि दाऊद कितना पावरफुल आदमी है, कितना रहस्यमय आदमी है, उस तक पहुंचना कितना मुश्किल होगा। ऐसे में दाऊद को जहर देकर मारने की बात सच है या एक अफवाह, ये समझना खूब जरूरी बन जाता है। दाऊद के पावर रुतबे का अंदाजा अब इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि नवाज शरीफ ने ओसामा बिन लादेन से फंड लिया था, जबकि इमरान खान ने दाऊद इब्राहिम से। अब सोचिए, भारत का मोस्ट वांटेड आदमी पाकिस्तान में रह रहा है और वहाँ की रूलिंग पार्टी को चंदा दे रहा है, वह आदमी कितना पावरफुल होगा। अब जिस आदमी का पाकिस्तान में इतना रुतबा होने के बावजूद उसको जहर देकर मारने की खबर फैलना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, दाल में कुछ तो काला जरूर होगा। क्योंकि दाऊद के मरने की खबर फैलने के बाद उसके समधी जावेद मियादाद का अरेस्ट होना, उसके परिवार का नज़र कैद होना और पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट को बंद कर देना, ये खबर कुछ ना कुछ तो संकेत दे रहे हैं। कब से आप जिस सच को जानने बेताब है उस बात का संकेत यहाँ छिपा है। देखिए मामा, दाऊद इब्राहिम के खेमे में मोदी सरकार ने तांडव मचा रखा है। पिछले 20 महीनों में उनके 24 गुर्गे अरेस्ट किए गए हैं। 2014 में 2 गुर्गे, 2015 में 4, 2016 में 5, 2017 में 6 गुर्गे अरेस्ट हुए, 2018 में 8, 2019 में 9, 2020 में 7, 2021 में 15, 2022 में 8 गुर्गे अरेस्ट हुए। यानी जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से लेकर 2022 के अंत तक दाऊद इब्राहिम के करीब 65 गुर्गे अरेस्ट किए गए हैं। यानी एक चीज़ का संकेत तो ये मिलता है कि नरेंद्र मोदी सरकार दाऊद को छोड़ने के मूड में नहीं है। अब यहाँ दाऊद को उसी के अड्डे में घुसकर उसे जहर देखकर खल्लास करने की खबर इसलिए भी सच हो सकती है कि अगर आप देखें तो पिछले कुछ महीनों में एक नया पैटर्न निकला है। पैटर्न क्या है? कुछ अज्ञात लोग, पाकिस्तान हो या कनाडा या दुनिया के किसी भी देश में, भारत के विरुद्ध काम करने वाले या भारत के दुश्मन को मार रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। और इस बात पर पूरी दुनिया की नज़र तब पड़ी जब कनाडा में खालिस्तानी आतंकी निज्जर की किसी अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद दूसरे खालिस्तानी आतंकी सुखा दुनेगे को कनाडा में उसी के घर में घुसकर कुछ अज्ञात लोगों ने करीब 9 से 10 गोलियां उसके भेजे में उतार दी, वो भी तब जब वो नहा रहा था। यही नहीं, पाकिस्तान में भारत विरोधी काम करने वाले कई आतंकी संगठन पनप रहे हैं और इन आतंकी संगठनों के कई आकाओं को, इनके कमांडर राइट हैंडों को कुछ अज्ञात लोगों ने गोलियों से भुना है। पिछले 1.5 साल में भारत के जो मोस्ट वांटेड की लिस्ट थी उनमें से ज़्यादातर को किसी ने ठोक दिया है। करीब 20 से 25 ऐसे लोग हैं जिनको मौत के घाट उतार दिया गया है, जैसे रियाज अहमद उर्फ अबू कासिम, ये लश्कर ए तैयबा का कमांडर था, ये धानगढ़ी टेरर अटैक में शामिल था। रावलपिंडी की एक मस्जिद से बाहर निकल रहा था तभी उसे किसी ने गोलियों से भून दिया। इसके बाद सईद लतीफ उर्फ बिल्लाल, ये भी जैसे मोहम्मद का टॉप आतंकी था, जो पुलवामा अटैक का मास्टरमाइंड था, इसे भी कुछ अज्ञात लोगों ने मस्जिद से बाहर निकलते वक्त गोलियों से भून डाला था। अरे मामा, ऐसे एक दो नहीं बल्कि करीब 15 से 16 टॉप आतंकी थे जिन्हें पिछले 1 साल में किसी ने गोलियों से भून दिया, वो भी पाकिस्तान में। लेकिन मामा, यहाँ जो चौंकाने वाली बात यह है कि अभी तक किसी को ये नहीं पता चला कि इन आतंकियों को पाकिस्तान में घुसकर कौन ठोक रहा है। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रो इज़राइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की तरह अपने दुश्मनों को उसी के अड्डे में घुसकर निपटा रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि इस बार हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम इन अज्ञात लोगों के निशाने पर था। अब जब दाऊद को जहर देने की खबर आई है तो हो सकता है कि उन अज्ञात लोगों ने दाऊद के किसी करीबी को अपने झांसे में लेकर ये काम करवाया हो, क्योंकि हर बार गोली ही यूज़ हो ऐसा ज़रूरी नहीं है।
अब मामा सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये कोई नहीं बताएगा और यही सच है। तो ऐसा है कि पाकिस्तान में अगर दाऊद की मौत हो जाती है तो पाकिस्तान की ओर से कभी भी ये ऑफिशियल जानकारी नहीं दी जाएगी कि दाऊद की मौत हो चुकी है, क्योंकि आज तक पाकिस्तान यही कहता आया है कि दाऊद पाकिस्तान में नहीं है। अब जब उसके मरने की खबर पाकिस्तान में आती है तो पाकिस्तान की पोल खुल जाएगी, तो दाऊद की मौत के बारे में हमें सिर्फ और सिर्फ अंदेशा ही लगाना पड़ेगा। कुछ ऐसे क्लू, कुछ ऐसे संकेत जरूर मिलेंगे जिससे हम एक लेवल पर सोच सकते हैं कि हाँ दाऊद मरा है या जिंदा है। बाकी मामा अंगूठा लगवा लो, पाकिस्तान कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि दाऊद मर गया है। बाकी तो महाज्ञानी मीडिया वाले आपको कुछ भी बताएंगे, अगर आपको देखना है तो देखो। और यही है कहानी। और हाँ, आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।